दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अलेक्जेंडर पोप। आज हम इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि ये कौन थे, आज पता चल जाएगा। इनकी बायोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये एक इंग्लिश पोएट और सटायरिस्ट थे 18 सेंचुरी के। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हो तो आपने नियो क्लासिकल एज का नाम सुना होगा। उसके अंदर थी एक ऑगस्टिन एज। उस एज के सबसे बड़े पोएट थे अलेक्जेंडर पोप। उस एज का सबसे बड़ा टेस्ट मेकर था अलेक्जेंडर पोप। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे पोप इनके सटायर्स के लिए सबसे ज़्यादा पसंद है। सटायर्स का मतलब होता है दोस्तों किसी पे व्यंग करना। व्यंग मतलब ताना मारना एक तरह से, और ताना भी कुछ इस तरह से मारना कि सामने वाले को समझ भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। अब एक और फैक्ट बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, शेक्सपियर के बाद में दूसरा बंदा है अलेक्जेंडर पोप जिसकी कोटेशन सबसे ज़्यादा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में शामिल है। दोस्तों, मैं पोप की लाइफ की शुरुआत करूंगा इनकी बीमारियों से। 12 साल की छोटी सी उम्र में पोप को दुनिया भर की बीमारियां लग गई, जिनमें से सबसे बुरी थी पोर्ट्स डिसीज। इसमें क्या होता है, पीठ में जो स्पाइन होती है, हिंदी में बोलूँ तो रीढ़ की हड्डी, तो उसकी शेप बिगड़ जाती है और होते होते आदमी कुबड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस का ही एक टाइप है। इससे क्या होता है, कुछ हद तक शरीर में ग्रोथ रुक जाती है। पोप की भी हाइट 4.5 फीट के आसपास थी, 4 फीट 6 इंच के आसपास, कभी बड़ी नहीं। पीठ से कुबड़ निकला हुआ था और पोप को अस्थमा भी था, शरीर एकदम कमज़ोर रहता था, जान निकाल देने वाला सरदर्द रहता था इनको। इतनी सारी बीमारियों की वजह से पोप को सबने खुद से अलग कर दिया, मतलब सब अलग मानते थे पोप को अपने से। तो ये भी जाता है कि पोप ने किसी लड़की को प्रपोज़ किया था, उस लड़की ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इस पर हंस गई वो लड़की। तो पोप ने किया कुछ नहीं, कुछ विटी उसके बारे में लिख दिया। ऐसे ही काफ़ी लोगों के बारे में पोप ने लिखा था। पोप से दुश्मनी उस टाइम पे कोई नहीं लेना चाहता था। इसके अलावा इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, जिंदगी भर बैचलर रहे थे ये। 12 साल की उम्र में जब इनको स्पाइन में प्रॉब्लम हुई, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई, तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया। एक वेल्थी फैमिली से थे तो इन्होंने स्कूल छोड़ दिया कि मजाक बनेगा, और सारी एजुकेशन प्राइवेटली इनको दी गई। प्राइवेट ट्यूटर्स और पुजारी वगैरह इनको पढ़ाने आते थे। फिजिकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से पोप की डेली केयर करनी पड़ती थी जब तक ये अपनी एडल्टहुड में नहीं पहुंच गए। अब चारों तरफ से ज़िंदगी इतना जुल्म कर रही है तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आदमी में आ ही जाता है, कोई भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो पोप अपने चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से सब जगह पॉपुलर थे। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ऐसे लोगों में चिड़चिड़ेपन के साथ साथ कुछ क्वालिटीज़ और भी आ जाती हैं। जैसे पोप में बहुत सारी क्वालिटीज़ आ गई थी। अपनी टीन एज में पहुंचने से पहले पोप बाकी नॉर्मल बच्चों के मुकाबले जल्दी समझदार हो गए, और शुरू से ये आदमी डिटरमाइंडेड था, मतलब वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया था इसने। दोस्तों, पोप रेस्टोरेशन पीरियड में मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट थे, ये चीज़ याद रखना। रेस्टोरेशन पीरियड में ये मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट थे। इनसे पहले, वैसे एक बात और बता दूं, वैसे इनसे पहले ड्राइडन ने यूज़ की थी ये टेक्निक, और ड्राइडन को ही ओरिजिनली मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट कहा जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑगस्टन एज की। ऑगस्टन एज में टेस्ट मेकर माना जाता है पोप को। ऐसे तो अगर मैं बात करूं तो ड्राइडन से बहुत पहले जॉफ्री चौसर ही ले आया था हीरोइक कपलेट को इंग्लिश लिटरेचर में मिडिल एजेस के टाइम पर। मेरे कहने का मतलब यह है कि पहचान तो हीरोइक कपलेट को पोप ने दिलाई थी ऑगस्टन एज में जाकर के। पोप ने अपने मॉक एपिक रेप ऑफ द लॉक में इसका यूज़ किया था। लेकिन दोस्तों, ड्राइडन का बहुत बड़ा नाम है हीरोइक कपलेट में। इवन जॉन ड्राइडन को पोप अपना आइडल मानता था। 23 साल की उम्र में जाकर पोप ने अपना फर्स्ट मेजर वर्क पब्लिश करवाया, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये बहुत बड़ा वर्क था दोस्तों, सबसे पहला बड़ा वर्क पोप ने, मैच्योर वर्क जो पोप ने पब्लिश करवाया था। इसके बाद जाकर पोप ने कुछ राइटर्स और एडिटर्स को अपना दोस्त बनाया, जिसमें से एक राइटर थे जोसेफ एडिसन और दूसरे एडिटर जिनका नाम था रिचर्ड स्टील, जिन्होंने पोप के एसेज और पोइम्स को छापा। 1720 के दशक में जाकर पोप ने एक क्लब ज्वाइन किया, ये इस क्लब का नाम है। इस क्लब में ये बड़े मशहूर नाम थे जो पोप के दोस्त बने। तो क्लब के मेंबर्स ने पोप से बोला कि आप होमर की इलियड को ट्रांसलेट करो। अब दोस्तों, ये पोप की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मतलब इसके बाद पोप को सक्सेस मिलना शुरू हुई। एक बढ़िया लाइफस्टाइल, खर्चीली लाइफस्टाइल जीने लगे इसके बाद पोप, और एक बढ़िया से विला में सेट हो गए। पोप के सारे फ्रेंड्स जानते थे कि उनको गार्डनिंग का कितना शौक था। इस वक्त तक दोस्तों, आते आते पोप ने कुछ ज़्यादा ही कड़वी पोएम्स लिखना शुरू कर दी थी। दोस्तों, बहुत सारे बड़े वर्क्स को लिखने के बाद पोप ने अपनी पोएट्री को रिवाइज करने और असेंबल करने की कोशिश की थी, लेकिन इससे पहले ही पानी वाली सूजन और अस्थमा की वजह से उनकी डेथ हो गई 30 मई 1744 को। दोस्तों, पोप का फर्स्ट मैच्योर वर्क एसे ऑन क्रिटिसिज्म बड़ा फेमस है।
इसमें से ही कुछ फेमस कोटेशंस निकल करके आई है, जैसे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, पोप एज अ पब्लिक फिगर अपनी बात को या फिर कहूँ दिल की बात को बोलने में बिल्कुल नहीं डरते थे। जो दिल में है वो मुँह पे। अगर ये लोगों को क्रिटिसाइज करते थे तो लोग भी इनको बड़ा क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि पोप सब पर हमला करता था, किसी को नहीं बख्शता था। तभी लोग बोलते थे कि भगवान से इतना डरने लगता जितना पोप से लगता है। सीधी सीधी बात यह है कि दोस्तों पोप ने अपने करियर में बहुत सारे एनिमीज बना लिए थे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ दोस्तों, कि जब ये अपने कुत्ते के साथ टहलने निकलता था अलेक्जेंडर पोप, तो अपने साथ में एक पिस्तौल लेके निकलता था। पोप की डेथ हुई थी पोप विला में 30 मई 1744 को, पोप विला जहाँ ये रहते थे। दोस्तों पोप ने खुद से अपना ये विला बनाया था, पोप विला टेम्स रिवर को देखता हुआ, पैलेडियन स्टाइल में, जैसे कोई दुर्ग वगैरह बनते हैं ना उस स्टाइल में। अब दोस्तों यहाँ पे डिबेट इस बात पर है कि पोप की लिटरेरी एजुकेशन क्या थी, मतलब ज़िंदगी भर इस बात पर डिबेट चलती रही। वैसे तो बहुत लोग इनसे इंस्पायर हुए, बहुतों को इन्होंने इंस्पायर किया, क्योंकि इनके सटायर्स और पोएट्री ऑफ मैनर्स ना तो रोमांटिक्स में फिट बैठते थे ना विक्टोरियंस में, इसलिए लोग उनको एक पोएट मानने से ज़्यादा एक फिलोसोफर मानते थे, एक रेटोरिक मानते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।